राइट्स में 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित एप्लीकेशन यूपी कोप के बारे में जागरूक किया गया। थाना दरगाह शरीफ ने आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को यूपी कोप की मदद से मिलने वाले 27 प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तृत रूप से छात्राओं को बताया। प्रभारी निरीक्षक ने छात्रों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले संभावित अपराध के प्रति सचेत करते हुए उन्हें पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई यूपी कोप के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का ज्ञान कराया तथा पुलिस की सुरक्षा के प्रति सदैव तत्पर है। किसी घटना या दुर्घटना के बाद पुलिस की मदद के लिए अब बार बार थाना के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके कई काम स्मार्टफोन के जरिए ही हो जाएंगे। फिर चाहे EFIR हो या फिर चोरी हुए वाहनों की रिकवरी की जानकारी हो, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो या फिर किसी धरना परिसर की अनुमति लेनी हो, गाड़ियों की चोरी, लूट की घटनाएं, मोबाइल स्नैचिंग, बच्चों की गुमशुदगी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में यूपी पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन यूपी कॉप ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस टीम व विद्यालय के अध्यापक गण तथा छात्र उपस्थित रहे। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। मिस कर दिए, जैसे किसी का नाम राधा है तो राधा का वो RID कर दीजिए, उसकी राह पर कोई मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, घर का नंबर होगा, मकान नंबर, रोल नंबर, उसको आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए। आप हमारे लिए मोबाइल नंबर की बात है 7 8 6 9 1, तो ऐसे मिक्स करके आप एक अपना यूनिक पासवर्ड बना लीजिए। एक पासवर्ड लिखा जाए कि उसको पासवर्ड को कन्फर्म कर दिया है। 8 कम से कम 8 आप कम करेंगे तो खुद ही सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपने गलत कर दिया। उसके बाद एक पासवर्ड तो बनाएंगे, दूसरा उसमें डालेंगे